प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जिला चिकित्सालय उमरिया पहुंचे। यहां पर शिशु गहन चिकित्सा इकाई का निरीक्षण किया। प्रदेश भर में कुपोषण दूर करने घर घर जाकर सर्वे कराने के निर्देश भी दिए। मीडिया के सवालों पर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बचाते हुए नजर आए मंत्री प्रभुराम चौधरी। अपने निर्धारित कार्यक्रम से 3 घंटे विलंब से जिला चिकित्सालय उमरिया का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से बातचीत में शहडोल संभाग में हुई सिलसिलेवार नवजातों की मौत के मामले में महकमे के अधिकारियों को साफ बचाते नजर आए। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने पहले जिला चिकित्सालय स्थित शिशु गहन चिकित्सा इकाई का निरीक्षण किया और मीडिया से बातचीत में प्रदेश में कुपोषण को मिटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जमीनी अमले आशा और ANM कार्यकर्ता से घर घर सर्वे कराने की बात कही। हालांकि जिला चिकित्सालय में पदस्थ अफसरों के घोटालों पर हुए सवालों पर वे चुप्पी साध गए और जिम्मेदार अफसरों को बचाते नजर आए। विश्राम गृह में भाजपा नेता दीपक छतवानी ने मंत्री को जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ज्ञापन सौंपा। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के बाद मंत्री सड़क मार्ग से कटनी के लिए रवाना हो गए। तो आज मैं शेड्यूल आया था, शेड्यूल में हमने पूरे संभाग की समीक्षा भी की है और हमने पूरे तीनों जिलों को संभाग के जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का नीचे का अमला है आशा कार्यकर्ता और ANM उनको डोर टू डोर सर्वे के सबको निर्देश दिए हैं जिससे कि अगर कोई कुपोषित बच्चा है उसको भी आइडेंटिफाइड कर सकें, अगर कोई किसी तरीके से उसमें भी बीमारी है तो उसको हॉस्पिटलाइज जल्दी से ले जाया जा सके जिससे कि भविष्य में बच्चों की मृत्यु ना हो। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से इसमें प्रयास कर रहा है कि हम लोग इन जिलों में कहीं भी कोई बच्चा अगर बीमार है कहीं कुपोषित है तो उनको सबको आइडेंटिफाइड करें और उनका प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिल सके, उनकी पूरी देखभाल हो सके। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ पर्याप्त रूप से हैं, जहाँ अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हम कर रहे हैं। जो जैसे नहीं देखिए ऐसा है, यहाँ तो अभी यहाँ 20 का जो वार्ड है 20 में दसी इसमें दसी यहाँ पर है। नहीं ऐसा है कि जो दूरी जैसे उमरिया जो शहडोल के पास में गांव पड़ते हैं वो सीधे जिनको वहाँ करीब पड़ता है वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ से अगर जहाँ से दूरी होती है और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हमारी हैं और अभी हम निर्देश देंगे जो जो भी कमियां होंगी उनको भी हम लोग ठीक कर रहे हैं, पूरा सर्वे कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।